नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जनवरी से जुलाई 2018 तक का टॉप 400 करेंट अफेयर का ये 8वां पार्ट लेकर आया हूं। और इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सारे के सारे योजना से संबंधित है। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी टेक्नीशियन SSC GD या और कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वयं प्रभा योजना। स्वयं प्रभा योजना जो है शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने चलाई है। अगला सवाल है, गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सौभाग्य योजना। दोस्तों, सौभाग्य योजना जो है ये गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने के लिए चलाई गई है। अगला सवाल है, शौचालय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यह आंसर हो जाएगा दरवाज़ा बंद अभियान। और दरवाज़ा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ान योजना। उड़ान योजना जो है छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए ये उड़ान योजना चलाई गई है। छोटे शहरों को बड़े शहर से यानी कि हवाई सेवा को जोड़ने के लिए उड़ान योजना चलाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के टीकाकरण हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? बच्चों के टीकाकरण हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष। या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों के टीकाकरण से। अगला सवाल है, रेलवे स्टेशन के सुधार एवं विकास के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सृजन योजना। सृजन योजना जो है रेलवे स्टेशन के सुधार एवं विकास के लिए चलाया गया है। अगला सवाल है, बंदरगाहों को आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो आंसर हो जाएगा सागरमाला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED बल्ब को रियायती कीमत पर देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उजाला योजना। और उजाला योजना पूछा जाए एग्जाम में, उजाला योजना जो है सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, उजाला योजना जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, लेकिन पूछा जाए एग्जाम में कि उजाला योजना के तहत सर्वाधिक बल्ब यानी LED बल्ब किस राज्य में वितरण किया गया? तो उजाला योजना के तहत सर्वाधिक LED बल्ब वितरण करने वाला राज्य है गुजरात। लेकिन सबसे पहले उजाला योजना जो है किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में डाक घर खाता धारकों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दर्पण योजना। दर्पण योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खाता धारकों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए भारत सरकार ने चलाई है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, पूछा जाता है एग्जाम में कि दर्पण ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, दर्पण ऐप का संबंध डाक बीमा क्षेत्र से है। अगला सवाल है, एड्स रोगियों के उपचार के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर है मिशन संपर्क जो है एड्स रोगियों को उपचार के लिए भारत सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा में सहयोग के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो है छात्रवृत्ति योजना। अगला सवाल है, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम दिया है ऑपरेशन स्माइल। और दोस्तों, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि गुमशुदा बच्चों के खोज के लिए भारत सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप का नाम है रीयूनाइट। लेकिन यहाँ जो योजना के बारे में पूछा जाए तो योजना हो जाएगा ऑपरेशन स्माइल। अगला सवाल है, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को पुनः विद्यालय लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाया है या कौन सा अभियान चलाया है? तो आंसर होगा विद्यालय चलो अभियान। अगला सवाल है, सिंचाई में सोलर पंपिंग सेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुसुम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क के विकास के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारतमाला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग को कल्याणकारी योजना का लाभ पहुँचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है या कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना।
या महात्मा गांधी सर्व विकास योजना किस लिए चलाई गई है? तो कमजोर वर्गों को कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसका नाम दिया गया है महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना। अगला सवाल है, विशिष्ट ट्रेन की सुविधा में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो आंसर हो जाएगा परियोजना स्वर्ण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो आंसर हो जाएगा सेतु भारत योजना। दोस्तों, सेतु भारत योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्ति कराया जाएगा। अगला सवाल है, नक्सली प्रभावित जिला में कौशल उन्नयन एवं रोजगार हेतु कौशल विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो दोस्तों, उस योजना का नाम दिया गया है रोशनी योजना, या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोशनी योजना किस लिए चलाई गई है। तो दोस्तों, रोशनी योजना जो है नक्सली प्रभावित जिलों में कौशल विकास उन्नयन एवं रोजगार हेतु कौशल विकास के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसका नाम दिया गया है रोशनी योजना। अगला सवाल है, पशुओं के गोबर बोर्ड ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस बो CNG में परिवर्तन करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, उस योजना का नाम दिया गया है गोवर्धन योजना। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोवर्धन योजना का शुरुआत कहां से किया गया? तो गोवर्धन योजना का जो शुरुआत किया गया है, एक करनाल हरियाणा से किया गया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, ग्रामीण विकास एवं किसानों के प्रगति के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा भारत उदय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के बिजनेस क्षमता बढ़ाने, वो खेती में नए प्रयोग, वो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो आंसर हो जाएगा एग्री उड़ान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उद्यमिता विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो दोस्तों, उस योजना का नाम दिया गया है रफ्तार योजना। अगला सवाल है, परंपरागत कला व शिल्प विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उस्ताद योजना, या उस्ताद योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर हो जाएगा परंपरागत कला व शिल्प विकास से। अगला सवाल है, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, या प्रधानमंत्री वया वंदना योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर है वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने के लिए ये योजना चलाई गई है। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो यहाँ पे आंसर है क्लीन माई कोच। दोस्तों, स्वच्छ रेलवे स्वच्छ भारत के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, जिसका नाम दिया है क्लीन माई कोच। अगला सवाल है, खाद प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर है किसान संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक के कौशल विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो आंसर है मानस योजना, या मानस योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अल्पसंख्यक के कौशल विकास से। अगला सवाल है, अनुसूचित जनजाति वो महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो आंसर हो जाएगा स्टैंडअप इंडिया योजना, या स्टैंडअप इंडिया योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा अनुसूचित जाति जनजाति व महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ावा देने के क्षेत्र से। अगला सवाल है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को कौशल विकास कर रोजगार योग बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा स्टेट योजना जो है महिलाओं को कौशल विकास कर रोजगार योग बनाने के लिए भारत सरकार ने ये योजना चलाई है, जिसका नाम दिया है स्टेट योजना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो यानी कि इसका आप PDF चाहते हैं, तो मैं इसका जो है PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी PDF तैयार नहीं था, जिसकी वजह से मैं अभी वीडियो में नहीं डाला हूं। या आप पढ़ना चाहते हैं वेबसाइट के जरिए, तो ये मेरा वेबसाइट का नाम है www.nkcity.com। इस वेबसाइट पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। गूगल में जाकर लिखना है www.nkcity.com, मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पर ये सारा क्वेश्चन अपडेट किया गया है। वहाँ पर लगभग 400 से 500 क्वेश्चन है, और सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि करंट से रिलेटेड है, और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे वेबसाइट को लॉगिन करके वहां पे जाकर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो और अपडेट करने वाला हूँ योजना से, जो कि राज्य के द्वारा जो योजना जारी किया गया है, उसमें वो सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन था वो भारत सरकार द्वारा जो योजना जारी किया गया है उससे संबंधित था।
तो एक वीडियो मैं योजना से संबंधित और लेकर आने वाला हूँ, तो वो वीडियो मैं कल अपडेट करूँगा। चलिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।